हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में इसमें हम ग्रुप वन और ग्रुप टू की कुछ प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे देखिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट की देखिए ग्रुप वन की बात करें तो इसके एलिमेंट्स एक्सट्रीमली सॉफ्ट और रेडीली फ्यूज होते हैं लेकिन लिथियम इस कैटेगरी में नहीं आता है वो स्मॉल साइज का होने की वजह से हार्ड होता है इसके अलावा ग्रुप वन के एलिमेंट्स मेलियेबल और डक्टाइल होते हैं और इनको जब कट किया जाता है तो कटिंग साइट पर एक ब्राइट लस्टर एपियर होती है और जब मेटल एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो ये ब्राइट लस्टर क्विकली टार्निस हो जाती है अब ग्रुप टू के एलिमेंट्स की बात करें तो जब इनको कट करते हैं तो ग्रेइस व्हाइट लश्कर एपियर होती हैं ग्रुप टू के एलिमेंट्स मेलियबल और डक्टाइल होते हैं अब ग्रुप वन और ग्रुप टू को कंपेयर करें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हार्डनेस एल्ली मेटल से ज्यादा होती है क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल की साइज एल्कली मेटल से स्मॉल होती हैं अब बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की देखिए जब हम ग्रुप वन में लिथियम से फ्रेंशियम तक मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की एक एक्स्ट्रा सेल उसमें ऐड होती रहती हैं और इसी एक्स्ट्रा सेल के एडिशन से एटॉमिक और आयनिक रेडियस ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती हैं ये हो जाएगी ग्रुप वन के एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक और मेटलिक रेडियस की वैल्यू और ये हो जाएगी सिक्स कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड में आयनिक रेडियस की वैल्यू अब ग्रुप टू की बात करें तो इनकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस हैं वो बेरिलियम से रेडियम तक मूव करने पर इंक्रीज होती हैं। अब इसका कारण भी एक्स्ट्रा सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन है ये हो जाएगी ग्रुप टू के लिए एटॉमिक और मेटलिक रेडियस की वैल्यू और ये हो जाएगी सिक्स कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड में आयनिक रेडियस की वैल्यू अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्कली मेटल्स की एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एल्क् मेटल से स्मॉलर होते हैं अब इसका कारण एल्कलाइन अर्थ मेटल का हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है फिर नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी की तो देखिए एल्कली मेटल्स के लिए डेंसिटीज की वैल्यू काफी लो होती है इसका कारण इनका लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम होता है अब लिथियम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो ये वाटर से भी लाइट होते हैं अब ग्रुप वन में जब लिथियम से सीजियम तक जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ डेंसिटी भी इंक्रीज होती है अब जो डेंसिटी में इंक्रीमेंट होता है वो किस वजह से होता है देखिए अगर हम एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम दोनों की बात करें तो दोनों की वैल्यू इंक्रीज होती है लेकिन एटॉमिक वेट की जो वैल्यू है वो एटॉमिक वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ती है देखिए डेंसिटी की बात करें तो उसका वेट और यहाँ हम लेंगे एटॉमिक वॉल्यूम अब एटॉमिक वेट भी एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ बढ़ता है और एटॉमिक वॉल्यूम भी एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ बढ़ता है लेकिन इन दोनों में से एटॉमिक वेट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है और एटॉमिक वेट डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसीलिए एक ही ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ डेंसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज होती हैं अब अगर हम यहाँ पर एक्सेप्सन की बात करें तो पोटेशियम इसमें एक्सेप्सन है मीन्स पोटेशियम की जो डेंसिटी है वो सोडियम से कम होती है इसका रीज़न होता है पोटेशियम की एटॉमिक साइज में अनयूजुअल इंक्रीज अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो उनकी डेंसिटी कैल्शियम तक डिक्रीज होती हैं उसके बाद ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं अब इनमें जो इरेगुलर वेरिएशंस आ रहे हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह से आते हैं अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्कली मेटल्स को कंपेयर करें तो उस केस में ए की पीरियड में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए डेंसिटी की वैल्यू एल्कि मेटल से ज्यादा होती है अब इसका रीजन क्या होगा तो देखिए जो ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं उनमें जो पैकिंग होती है वो ज्यादा क्लोज होती हैं और ज्यादा क्लोज पैकिंग का रीजन ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज और स्मॉलर साइज होता है अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की तो देखिए एल्कि मेटल्स की बात करें तो इनमें सिर्फ ए की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वीकली बॉन्डेड होता है तो इस इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव किया जा सकता है और इस वजह से एल्कि मेटल्स के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा लो रहती है अब ए की ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम जाते हैं मीन्स लिथियम टू सीजियम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती हैं क्योंकि जैसे जैसे हम ए के ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती हैं और एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अब ग्रुप वन के एलिमेंट्स के लिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इसकी वैल्यू हाई होती हैं देखिए जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो एम प्लस आयन का फॉर्मेशन होता है और एम प्लस आयन बनने के बाद जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो नोबल गैस के इक्वल हो जाएगा और नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती हैं इसीलिए ग्रुप वन के एलिमेंट के लिए जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से बहुत कम होती हैं अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो इनके लिए भी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ए की ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती हैं और रेडियम की बात करें तो इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बेरियम से ज्यादा होती है ये हो जाएगी सेकेंड ग्रुप के लिए फर्स्ट आई की वैल्यू सेकेंड आई की वैल्यू और थर्ड आईई की वैल्यू अगर हम इन तीनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है सेकेंड की उससे ज्यादा और थर्ड की उससे ज्यादा होती है अब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो तीसरा इलेक्ट्रॉन प्लस टू आयन से निकलता है और प्लस टू आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन नॉबल गैस के इक्वल होता है इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है अब देखिए अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कली मेटल्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एल्कली मेटल से ज़्यादा होती है क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एल्कली मेटल्स में एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एनएस क्या होता है कम्प्लीटली फील्ड और एन हाफ फील्ड होता है अगर हम एल्कली मेटल्स की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो उसकी वैल्यू एल्कलाइन अर्थ मेटल की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है देखिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो उस केस में एल्कली मेटल्स आयन एम प्लस के फॉर्म में प्रजेंट होते हैं और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वो नॉबल गैस के इक्वल होता है और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो उस केस में जो एम प्लस होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन नॉबल गैस के इक्वल नहीं होता है फिर बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की तो देखिए एल्कि मेटल्स के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत कम होती हैं इसका कारण परजेंस ऑफ वीक इंटर एटोमिक बॉन्ड्स होते हैं और ये वीक बॉन्ड्स लार्ज एटोमिक साइज और सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं अब एक ही ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू लिथियम से सीजियम तक डिक्रीज होती हैं क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होती हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है और इस रिपल्सन की वजह से बॉन्ड वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं ये हो जाएगी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में फिर एल्क्लाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है लेकिन अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को एल्क्ली मेटल के साथ कंपेयर करें तो एल्क्लाइन अर्थ मेटल्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू एल्कली मेटल से ज़्यादा होती हैं अब इसका कारण क्या होगा तो देखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसलिए इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा यह हो जाएगी इनके लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर देखिए पॉजिटिव कैरेक्टर या मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो इसमें एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है अब एल्कली मेटल्स की बात करें तो इनमें एक वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन परजेंट होता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से इजीली रिलीज करके इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं और इस पॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें तो इसकी वैल्यू लिथियम से सीजियम तक इंक्रीज होती है अब एल्क्लाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो ये भी अपने दो लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं लेकिन अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल के इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें तो इसकी वैल्यू एल्क् मेटल के कंपेरिजन में कम होती है अब इसका कारण क्या होगा तो देखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो एल्क्ली मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा होती हैं फिर बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तो देखिए एल्कि मेटल्स में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रजेंट होता है तो इसलिए ये प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं अब प्लस टू क्यों नहीं करते हैं क्योंकि जब एम प्लस वन बन जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के इक्वल हो जाता है इसलिए एलक्ली मेटल्स प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं अब एम प्लस आयन की बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन नोबल गैस के इक्वल होता है तो इसका मीनिंग होगा उसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसलिए एल्कली मेटल्स के एम प्लस वन आयन डाई और कलरलेस होते हैं और अगर एल्कि मेटल्स के सारे कंपाउंड्स की बात करें तो वो भी कलरलेस होते हैं एक्सेप्ट पर और डाइक्रोमेट्स अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो उनमें दो वैलेंसियल इलेक्ट्रॉन्स प्रजेंट होते हैं इसलिए ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं अब जो मेटल्स हैं वो प्लस वन की ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं वो डायरेक्ट प्लस टू की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन हटता है तो उसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हटता है तो उसको हम क्या कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो सेकेंड से कम होती हैं तो इसका मतलब क्या होगा जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो प्लस वन की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने चाहिए लेकिन एक्चुअल में ये प्लस वन शो नहीं करके प्लस टू की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं अब इसका रीजन क्या होगा तो देखिए जो एम प्लस टू आयंस हैं वो एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं और हाइड्रेटेड आयन्स का फॉर्मेशन करते हैं अब इस हाइड्रेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी और ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को काउंटर बैलेंस कर देती हैं या उसको कंपेंसेट कर देती हैं इसीलिए जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो हमेशा एम प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तो देखिए एल्कली मेटल्स में हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है और ये अपने एन एस वन इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं और इसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से इनके जो इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं वो बहुत कम होते हैं अब लीथियम से सीजियम तक जाते हैं तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं क्योंकि लीथियम से सीजियम तक जाने पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं ये हो जाएगी ग्रुप वन के एलिमेंट्स के लिए पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो ये एल्क् मेटल्स के कंपेरिजन में स्मॉलर साइज के होते हैं तो इनके लिए एल्कि मेटल्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज की वैल्यू हाई रहेगी और एक ही ग्रुप में जब बेरिलियम से रेडियम तक जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं क्योंकि बेरिलियम से रेडियम तक एटॉमिक साइज इंक्रीज होती हैं और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी इंक्रीज होते हैं ये हो जाएगी ग्रुप टू के एलिमेंट्स के लिए पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फिर बात करें कंडक्टिविटी की तो एल्कली मेटल्स में जो एन एस इलेक्ट्रॉन होता है, वो वीकली बॉन्डेड होता है, और इसी वजह से एल्कली मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो इसमें दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रजेंट होते हैं और ये फ्री मूव करते हैं इसी वजह से ये मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं